बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स टेक्सला में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट की न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जी। ये वो न्यूज़ है कि जिसका मेरे समेत फैसल हिल के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बड़े अरसे से, सालों से इंतज़ार था। आज वो बिलाखिर डेवलपमेंट हो गई है। आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ करूँगा। तो ये मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ, सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। सामने आपकी मस्जिद फातिमा तज़हरा है, उधर से आप जब इंटर होते थे तो ये वाला एरिया था। इस एरिया से आके आप इधर से टर्न लेके वो आर्च वाली रोड है उधर चले जाते थे। तो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये जो एरिया था थोड़ा सा, इस एरिया की वजह से बहुत सारे काम इधर रुके हुए थे। मैं वक्तन फ़क्तन आपके साथ शेयर करता था कि एग्जेक्टिव ब्लॉक से जो रोड होके गुजर रही है आपकी, जो कि सीधी आपके पहाड़ के उस तरफ FMC को जाएगी और मल्टी गार्डन 2017 को जाएगी। तो बिल आखिर ये जो एरिया है ये सोसाइटी ने क्लियर करना शुरू कर दिया और बड़ी तेज़ी के साथ क्लियर करना शुरू कर दिया। और ये जो आगे 80 फुट की रोड जा रही थी उसमें बस सिर्फ थोड़ी सी हर्डल थी, ये चंद कनाल की जगह थी। तो ये बिलाखिर क्लियर हो गया जी, और बड़ी तेज़ी के साथ इधर मशीनरी जिस तरह आपको नज़र आ रही है काम कर रही है, और जिस तरह ये मशीनरी काम कर रही है विद इन फ्यू डेज़ मुझे तो लगता है कि ये रोड अब क्लियर हो जाएगी। आगे से 80 फुट की रोड ऑलरेडी ये बनी हुई है। ये आपका इधर से रास्ता निकलेगा पहाड़ के उस तरफ FMC से, और ये सारा एग्जेक्टिव ब्लॉक का एरिया है। और इसके बाद ये इस जगह पे कनाल के कुछ प्लाट्स थे, काफ़ी अरसे से वो नॉन पोजीशन थे, तो वो भी अब क्लियर होने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फैसल हिल्स के एग्जेक्टिव ब्लॉक से आप सीधा FMC पे जाएंगे, यानी कि मल्टी गार्डन के इन दोनों सोसाइटियों को अंदर ही से एक्सेस करेंगे। उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट, सिर्फ इस तरफ ही नहीं, इस तरफ भी बहुत ज्यादा मशीनरी काम कर रही है आपकी। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, ये भी बहुत ज्यादा मशीनरी है, उससे भी ज्यादा मशीनरी आपकी इस साइड पे काम कर रही है। ये आपकी MR1 जो पीछे से आ रही है, ये वाली जो MR1 आ रही है, ये सीधा आपकी आगे जाएगी, और इधर थोड़ा सा रोड उन्होंने बना भी दिया कच्चा। ये सीधा आपकी आगे जाके जो इताद सेंटर है उसके पीछे से होती हुई सी ब्लॉक को टच कर जाएगी, और ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। और इसके साथ में ये जो दो कनाल की सीरीज थी, ये फुटबॉल ग्राउंड के साथ दो कनाल के जो प्लाट्स थे नॉन पोजीशन, वो भी अब बड़ी तेज़ी के साथ क्लियर हो रहे हैं और क्लियर होने जा रहे हैं। और ये सामने आपकी ये आर्च की रोड है, और इधर से आप आर्च को एक्सेस करते हैं। तो ये मेरे ख्याल बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, साला साल से मुझे इसका वेट था, और जो फैसल हिल के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो डीलर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जिनके प्लाट्स हैं इधर खास करके एग्जेक्टिव में और ए ब्लॉक के दो कनाल के, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जी। अब ये रास्ता विद इन फ्यू डेज़ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये क्लियर हो जाएगा, आप फैसल हिल से मल्टी गार्डन या FMC को थ्रू कर सकेंगे। तो इसकी वजह से ये एग्जेक्टिव ब्लॉक को मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे, ख़ास करके जिनके प्लाट्स इस रोड के करीब करीब हैं। और मेरे एक दोस्त हैं कतर से, उनका प्लाट इधर 30-60 का प्लाट रोड के करीब था, तो काफ़ी दफ़ा वो मेरे से पूछते थे, और उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है और सब लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। और ये है कि डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, मशीनरी बड़ी तेज़ी से काम कर रही है, बहुत ज़्यादा मशीनरी इधर इन्होंने लगाई हुई है, और इनका इरादा यही लग रहा है कि विद इन फ्यू डेज इसको क्लियर करेंगे। और इस तरफ से अगर बात करें तो ये जो दो कनाल के प्लाट्स हैं इसमें भी आपको मशीनरी बहुत ज़्यादा लगी हुई दिखाई दे रही है, ये भी विद इन फ्यू डेज ये जिस तरह काम लगा हुआ है इसी तरह लगा रहा, तो ये क्लियर करेंगे। तो फैसल हिल के लिए आए दिन ऊपर नीचे बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। देखिए ये सोसाइटी अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, और डेवलपमेंट की ये बहुत एक बड़ी अपडेट थी जिसका सबको इंतज़ार था। तो बड़ी खुशी हुई है मुझे भी ये देख के कि अब हम फैसल हिल से डायरेक्ट FMC और मल्टी गार्डन जाया करेंगे बजाय GT रोड के आने के, और इसकी वजह से इन्वेस्टर को भी या जिनके प्लाट होल्डर हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, और ओवरऑल इस डेवलपमेंट का फैसल हिल पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा जी। और उम्मीद करते हैं जिस तरह की ये डेवलपमेंट है, जिस तरह की ये अच्छी खबरें आ रही हैं गाय बगाए, इसी तरह उम्मीद करते हैं कि हमारे सियासी हालात बेहतर हों और फैसल हिल्स के रेट भी इसी तरह, रेट्स के बारे में भी आपको मैं अच्छी न्यूज़ दूँ। तो ये एक बहुत बड़ी डिवेलपमेंट थी, काफ़ी मुझे खुशी हुई है इसको देख के, तो आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर कर दी। फैसल हिल के बारे में कोई और अपडेट हुई या इस तरह की कोई डेवलपमेंट हुई तो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। और दूसरा ये बता दूं कि ये इसके बैक साइड पर भी पहाड़ के बिल्कुल दामन में ये भी आपको मशीनरी शायद लगी हुई नज़र आ रही हो, तो हर जगह पे ये मशीनरी इस जगह पे लगी हुई है। ये ए ब्लॉक का एरिया है, जो ही एग्जेक्टिव ब्लॉक ख़त्म होता है तो इधर से आप ये टर्न लेके ये ए ब्लॉक के एरिया में जाते थे, और इसके लेफ्ट साइड पर ये जगह है, और इधर काफ़ी तेज़ी के साथ काम लगे हुए। तो फैसल हिल के बारे में मज़ीद अगली कोई अपडेट आपके साथ लेके आएंगे जी, जो ही कोई अपडेट आएगी। बहुत शुक्रिया।